नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। एंड इन दिस सेशन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज RFID सील। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस सील। ओके, जो आपने देखा होगा कि जब हम कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं तो नाउ द प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कस्टम दैट यू ओनली यूज द RFID सील ऑन द कंटेनर्स। ओके, सो ये सील जो होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होती है, ट्रेस किया जा सकता है। ओके, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत इजी वर्क हो जाता है। अभी हम थोड़ा सा आगे की प्रोसेस के बाद देखते हैं कि इसमें कैसे हमारा वर्क इजी हो जाता है। थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। द ई सील इज अ रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस दैट ट्रांसमिट कंटेनर इंफॉर्मेशन वेन इंट्रोग्रेटेड बाय द रेन एंड पोर्टल्स ऑन मोबाइल रीडर्स। ठीक है, ये एक फ्रिक्वेंसी डिवाइस होता है, फ्रिक्वेंसी डिवाइस होता है जो कि कंटेनर को ट्रेस करता है, और जो बारकोडर और रीडर मोबाइल होते हैं उसके थ्रू ये पूरी इंफॉर्मेशन बता देता है। ठीक है, सील को स्कैन करने पर ही इट कंबाइन द मैकेनिकल सिक्योरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सील विद इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक मैकेनिकल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की बेस पे बनाई गई है जिसमें रेडियो आइडेंटिफिकेशन फ्रिक्वेंसी होती है। ई सेल हैज अ यूनिक कोड एंड रीड राइट यूजर मेमोरी कैपेबिलिटीज। इट प्रोवाइड ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रक ट्रेलर एंड कंटेनर्स। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमें बता देता है कि कौन सा क्या डिटेल्स है इसके। इट इज अवेलेबल ऑन द टेम्पर एविडेंस वर्जन वेयर द स्टेटस ऑफ द सील टेम्पर्ड एंड नॉट टेम्पर्ड इज इमिडिएटली डिटेक्ट वेन इट पास थ्रू द गेट और मैन्युअली एक्सपेक्टेशन विद द मोबाइल रीडर्स। ठीक है, ये सीले इसमें ऐसी फ्रिक्वेंसी लगी रहती है कि जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि ये कंटेनर यहाँ से निकला है गेट के वहाँ से। ठीक है, जहाँ पे गेट एंट्री होती है, और वहाँ पे अलग से मैन्युअली भी आप मोबाइल रीडर के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एनी टेम्परिंग इन इवन टेम्परेरी स्टोर ई सील चिप मेमोरी लगती है दिस एक्टिवेटेड टेक टेम्पर्स अलार्म विच कैन इमिडिएटली प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ द सील आइदर टेम्पर्ड आर नॉट टेम्पर्ड। ठीक है, मतलब ये सील जो होती है वो इमिडिएटली इंफॉर्म करती है कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, कंटेनर स्टेटस क्या है, कहाँ है अभी। अब बात आती है कि इसका प्रोसीजर्स क्या होता है। जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करते टाइम हमारे पास ये सील होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, हमें सील के लिए हमें ऑर्डर देना होता है, इसका वेंडर होता है, उस वेंडर को ई सील का ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, जब हम उसको ऑर्डर देते हैं तो वो हमारे फैक्ट्री पे डिलीवर करा देता है ई सील, जो भी चार्जेस होते हैं उसके बेस पे। अब सील हमें मिल जाती है तो उसका प्रोसीजर क्या है, जैसे हमने कार्गो डिस्पैच किया, स्टफिंग हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गई और हमने सील लगा दी। ठीक है, तो एक फॉर्मेट होता है जो ऑनलाइन इस डेटा को अपडेट करता है। ठीक है, उसका पोर्टल होता है RFID सील का, उस पर डेटा हमें अपलोड करना होता है सील नंबर के रिस्पेक्ट में, मटेरियल्स क्या हैं और कंटेनर नंबर क्या है, क्या हमने लोड किया है। तो हम क्या करते हैं कि एक एक्सेल में शीट बनाते हैं, उसमें डिटेल मेंशन करते हैं कि एक्सपोर्टर का नाम, इंपोर्टर का नाम और क्या कार्गो एक्सपोर्ट किया, कंटेनर नंबर और वैल्यू ऑफ द गुड्स। ये बेसिक चीज़ें जो होती है तो अपडेट कर देते हैं, और फिर उस शीट को RFID के पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है। जैसे अपलोड होता है फिर वो जो सील के ऊपर बार कोड जो लगा है उस सील के रिस्पेक्ट में अपलोड हो जाता है। जब भी कोई इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट अथोराइज पर्सन कस्टम में उस बार कोड को स्कैन कर रहा है तो उसके सिस्टम में पूरी डिटेल रिफ्लेक्ट हो जाती है कि ये कंटेनर कहाँ का है, कहाँ कौन एक्सपोर्टर कौन है, इंपोर्टर कौन है, क्या मटेरियल है, वैल्यू क्या है, सारी चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म्स हो गया कि पूरा मैन्युअली चेक नहीं करना है, इजीली सिर्फ स्कैन किया और कस्टम क्लियरेंस हो गई, तो कस्टम में टाइम बचता है काफ़ी ताकि जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन हो पाए। ठीक है, तो इसके कई सारे बेनिफिट हो गए कि एक तो कंटेनर को ट्रेस करती है कि कंटेनर आपका कहाँ है, उसके बाद कंटेनर कोई चोरी कर लेता है तो वो भी ट्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा आपका जो प्रोसेस फॉर्मेलिटीज थी डॉक्यूमेंटेशन वाली वो काफ़ी शॉर्ट हो जाती है कस्टम में,
इजीली स्कैन करके इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो इस प्रकार से इसके कई बेनिफिट हैं। तो ये आजकल अगर हमारे पास सील नहीं होती तो एक्सपोर्ट में फिर प्रॉब्लम आती, तो ये सील होनी ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर हम वेंडर से ऑर्डर करके सील लेके कंटेनर लगा के फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो गाइस आज के सेशन में हमने समझा कि व्हाट इज़ द RFID सील, व्हाट इज द रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस सील। ओके गाइस, सो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कस्टम हाउस एजेंट चैप्टर 1। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।